नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही भारत में दशहरा की तैयारियां अपने चरम पर हैं। दशहरा से पहले देश भर में विभिन्न जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरा के दिन रावण के संहार के साथ रामलीला खत्म होती है और रावण दहन कर धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस बार दशहरा के लिए सजे अनेकों पंडालों में से दिल्ली के द्वारका का रावण विशेष रूप से चर्चा में है। इस बार यहां 211 फीट ऊंचा रावण तैयार किया गया है। दशहरा के दिन के लिए यहां महत्वपूर्ण प्रबंधों के साथ ही रामलीला की तैयारियां भी अलग तरीके से की गई हैं। रावण का इतना लंबा पुतला तैयार करने के पीछे इसके आयोजक कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का हमेशा एक प्रयास है कि देश में सबसे सुंदर सबसे अच्छी रामलीला हम लोग दिखाएं। और आप देखेंगे कि अभी जो हमारा रावण है वो 211 फीट हाइट है। जिस तरह से समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, उसी तरह से उसका पतन भी उतना बड़ा ही होना चाहिए। इसलिए अब की बार इसकी हाइट जो है 211 फुट रखी है। और जो हमारा स्टेज का सेटअप है वो अब की बार हमने जो बाबर ने जिस राम मंदिर का विध्वंस किया था उनसे पहले जो राम मंदिर था वो राम मंदिर का सेटअप अब की बार बनाया गया है। क्योंकि पिछली बार जो अभी लेटेस्ट हमारा राम मंदिर है उसका सेटअप हम लोगों ने लगाया था और जितने भी हमारे द्वार हैं सारे के सारे द्वार जो है वो साउथ के जितने हमारे मंदिर हैं गोपुरम बोला जाता है द्वारों को, तो गोपुरम की तर्ज पर सारे द्वार लगाए गए हैं। 10,000 लोगों का यहाँ बैठने की व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरा है। आप देख रहेंगे मेटल डिक्टेटर गेटों से जांच होती है। 10,000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग जगह है हमारे पास। और लगातार एक हमारा प्रयास है कि देश में सबसे सुंदर सबसे बेहतर और पूरी की पूरी रामलीला वो एनिमेशन के द्वारा 3D में बहुत सुंदर हम लोग करते हैं और NCR के कलाकार सब इसके साथ अभिनय करते हैं। सर, इस रावण को बनाने में कितना टाइम लगा, कहां से इसके आर्टिस्ट आए? रावण को बनाने में लगभग 4 महीने का समय लगा है। और अंबाला के पास एक गांव है बरारा, वहां के तेजेंद्र चौहान जी हैं, उन्होंने आधे 2 महीने के करीब 2.5 महीने काम किया अंबाला में, वहां से ट्रक से लोड करके यहां लाए और 1.5 महीना काम यहां किया। लगभग 4 महीने में ये कंप्लीट हुआ है और 30 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ है। तो मैं समझता हूं कि भारत ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रावण और सबसे सुंदर रावण आपको द्वारका रामलीला सोसाइटी सेक्टर 10 में देखने को मिलेगा। जी सर, जितना बड़ा ये रावण है दशहरे वाले दिन जब इसको जलाया जाएगा तो जाहिर है कि सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि जल के गिरेगा, पटाखे भी हैं, तो उस चीज का क्या इंतजाम है, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम? देखिए, निश्चित रूप से हमारे 200 वायलेंटर तो द्वारका से रामलीला सोसाइटी के हैं और 100 के करीब हम प्राइवेट गार्ड लेते हैं। उसके अलावा 100 के करीब हमारे पास सिविल डिफेंस के बच्चे आते हैं। साथ में दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग हमारे साथ है। अभी भी दिल्ली पुलिस के लगभग मैं समझता हूं कि 50 के करीब तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सिपाही, हवलदार यहां बेचारे हम लोगों का सहयोग करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा सहयोग कर रहे हैं। DCP साहब यहां राउंड लगा जा चुके हैं, ACP साहब राउंड लगा के जा चुके हैं, इंस्पेक्टर साहब लगातार यहां पर, SHO साहब लगातार आते रहते हैं, चौकी इंचार्ज SHO तो परमानेंट ही रामलीला के दौरान यहां पर देखते हैं। और चूंकि बहुत लंबा है तो इसको आदमी दूर दूर से देख पाएगा, 2-2, 4-4 किलोमीटर से भी रावण दहन का दर्शन उनको होगा निश्चित रूप से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।